खोपरे के लड्डू हो गए तैयार माशाल्लाह। अब इसके ऊपर हम कोटिंग करेंगे पिस्ते की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज जो हम बना रहे हैं वो हैं कोकोनट के लड्डू। इसमें 2 कप हमने खोपरा लिया हुआ है क्रश किया हुआ, 1 कप दूध लिया है, 1 कप चीनी लिए और 1 टीस्पून हमने देसी घी का लिया है। अब शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले हम डालेंगे कढ़ाई में देसी घी। उसके बाद हम डालेंगे खोपरा कश किया हुआ, इसको हम भूनेंगे। खोपरा हमारा भून चुका है और इसके बाद हम डालेंगे दूध। चम्मच हिलाते रहना, बिल्कुल नहीं छोड़ना ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए चीनी और दूध जब तक अच्छा नहीं हो जाता। जी ये देखिए, ये अब फाइनल स्टेज पे पहुंचने वाला है। इसको 2 से 4 मिनट लगेंगे। और चीज़ें देखते हैं, सारा दूध और चीनी आजाद हो चुकी है माशाल्लाह से, ये रेडी है। अच्छा जी, ये आप ठंडा होने के लिए इसको कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अच्छा जी ये ठंडा हो गया है खोपरे के आप लड्डू बनाएंगे। अच्छा जी, अब हम कोट करेंगे खोपरा पाउडर से कोटिंग। अच्छा जी, ये खोपरे के लड्डू हो गए तैयार माशाल्लाह। अब इसके ऊपर हम कोटिंग करेंगे पिस्ते।